खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। दिन 2 जून 2022 बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाहन चोरी का सिंडिकेट चलाने वालों पर योगी सरकार 2.0 में शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। इसी के तहत मेरठ में आज गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। अंजाम दिए गए इस कार्रवाई को कुर्की की। आपको बता दें साकिब उर्फ गद्दू गैंग का सदस्य शान मोहम्मद के घर को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भारी फोर्स के साथ पुलिस मौके पर तैनात है। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना समर क्षेत्र गार्डन के इलाके में 50 लाख की कीमत के मकान को पुलिस ने सील लगा दी है। आपको बता दें शान मोहम्मद साकिब गैंग का सदस्य था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाहन चोरी का सिंडिकेट चलाता था और इन चोरी के वाहनों को मेरठ के सोतीगंज में ही काटा जाता था। पुलिस ने साकिब गैंग के 6 लोगों को अब तक कार्रवाई कर दी, जिसके बाद अब शान मोहम्मद के घर को भी कुर्क कर लिया गया है। 5 मुकदमों का आरोपी शान मोहम्मद पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वह जमानत पर रिहा हुआ है। पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई से जुराइम की दुनिया से कमाई गई संपत्ति को ठिकाने में लगी हुई है। साथ ही अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने में भी पुलिस काम कर रही है। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज़ से नवीद खान की रिपोर्ट। वाहनों की चोरी एवं चोरी के वाहनों के कटान में कार्यकर्ता था, उसका एक सक्रिय सदस्य था ये, और उसी के ऊपर ये 14 एक गिरफ्तार एक व्यक्ति लगभग कितने की संपत्ति होगी ये इसके व्यवसाय की बात करें 40 से 50 लाख के सर। ये जो टोटल कार्रवाई है इसके खिलाफ ये आखिरी कार्रवाई है, इसके बाद भी कोई इस पर कार्रवाई इस गैंग के जो अन्य सदस्य हैं जी खैर उन पे तो 14 एक के कार्रवाई बहुतों की जा चुकी है, लेकिन कुछ और संपत्तियाँ भी चिन्हित की गई जी, और उस पर जो 14 एक की कार्रवाई है जी। ये टोटल कितनी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है अब तक इस गैंग की? करीब 5 से 6 करोड़ से ऊपर की संपत्तियाँ 14 एक गैंगस्टर कुर्क किया। ठीक।